ओ सुन मेरे हानिया ना करी ना दानिया, ओ सुन मेरे हानिया ना करी ना दानिया, जे जाना सी छड मैनू क्यों तू लगाई, हो लाके मेरे नाल क्यों तू नी नी भा। नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं वरुण चिप। अभी हमारे साथ हैं राहुल वाजवा, जो जम्मू के उभरते हुए सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं। एक नया सॉन्ग जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, हानिया। इसी जो रिलीज के बारे में और इनके सॉन्ग के बारे में आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपका ये जो सॉन्ग आप रिलीज कर रहे हो। थैंक यू जी। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के मेरी लॉन्चिंग पे आए हमें सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और जम्मू के लोगों का और विक्रम भैया का स्पेशली, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको जम्मू में आके लॉन्च करना चाहिए। तो ये मुझे बताएं, ये इस सॉन्ग के बारे में बताएं, हानिया, ये हानिया एक शब्द के बारे में और इसके पीछे जो इस गाने में जो कहानी जो आपने बुनी है, जो सोची है, वो क्या है? हानिया बहुत ही प्यारा गाना है। गाना और वीडियो दोनों अलग अलग लेवल के हैं। गाना जो सैड है, वीडियो देखोगे तो वो पूरा एक्शन वीडियो देखेगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में विजुअल्स बहुत बड़े होते हैं गानों को लेके। तो ये गाना दुबई में शूट हुआ है और इस गाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। लाइक हमने इस गाने को बनाने के लिए लंबोर्गिनी तोड़ दी थी वहाँ पे, तो काफ़ी कॉस्टली ये गाना बना है। तो मेरे लिए ये एक अचीवमेंट भी है, यहाँ पे लोग सोच नहीं सकते हैं मतलब लंबोर्गिनी लेने की, और हम वहाँ पे तोड़ के आए हैं, तो ये एक अचीवमेंट है जम्मू के लड़के के लिए। तो मेरा यहाँ पे गाँव है गोमनासा के पास, तो यहीं पे मैं रहता हूँ। लेकिन लोग बिलीव नहीं करते, जब मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं जम्मू का हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि डोगरी बोल के बताओ। तो मिगी डोगरी बड़ी शैल आती है, मैं इत्थे गै मतलब 20-25 साल इत्थे ही रहा, तो 6-7 साल गै होए मिगी बाहर गए थे, तो डोगरी में बड़ी वधिया बोलना। लास्ट टाइम मैं बाइक राइड कर रहा था, तो एक बाइक है मेरे पास, तो वो राइड कर रहा था, मैंने वीडियो डाला था उसका, तो मुझे किसी ने बोला कि वेलकम टू माई सिटी, ये मेरा भी शहर है, मैं इधर ही पैदा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप कब से ये सिंगिंग का आपको शौक हुआ और कितनी देर का आपका ये अभी सफ़र रहा? मुझे इस लाइन में 10 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 6 साल से मैं गाने बना रहा हूँ और 10 साल से सीख भी रहा हूँ। तो बहुत कुछ जो मैंने सीखा, और मैं चाहूँगा कि मैं जम्मू के जो अपकमिंग टैलेंट है उसको सपोर्ट करना चाहूँगा, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और जो मैंने आज तक सीखा है, मैं चाहूँगा कि मैं जम्मू के जो हम सीखते हैं वो हमें आगे देना चाहिए ताकि वो बढ़े। इससे पहले आपने कितने सॉन्ग कर लिए, या ये आपका पहला गाना है? नहीं, इससे पहले मैं 7 गाने बना चुका हूँ, जो कि काफ़ी, मेरा लास्ट गाना गुची था, उस पर मिलियंस में व्यूज़ गए थे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। उससे पहले भी मेरे गाने अच्छे चले हैं, लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो पता नहीं चलता था कि आपका गाना इतना चला, लेकिन वो गाना काफ़ी मतलब फेमस हुआ था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने बनाए जो अच्छे, मैं साउथ अफ्रीका में काफ़ी गाने शूट करके आया था। तो अभी मैं लेटेस्ट 20 गाने लॉन्च कर रहा हूँ इसी साल। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू के लोग जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं मुझे कॉन्टैक्ट करें, कभी भी करें, मैं रिप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नए लोगों के साथ काम करना। तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। राहुल बाजवा मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है, उस पर आप कभी भी मैसेज करें, मैं हमेशा एक्टिव होता हूँ उस पर। मुझे ये बताएं कि हालांकि सिंगिंग का जो करियर है मोस्ट ऑफ जो सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगलिंग वाला होता है, लेकिन जम्मू के लिए तो इसे और ज़्यादा बड़ा टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैसा स्कोप है नहीं जितना कि पंजाब या कुछ और बड़ी बड़ी सिटीज़ में है। तो आपको कितना लगता है कि यहाँ पर आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? देखो, स्ट्रगल, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, ये स्ट्रगल ना, मुझे कभी स्ट्रगल नहीं लगा। आप कोई भी काम करते हो, क्योंकि आप जब पैदा होते हो आपको कुछ नहीं आता, आप सीखते हो, हर चीज़ आप सीखते हो, उसको स्ट्रगल कहना, इन्जॉय करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ उसको ये कहना कि मैं बड़ी तकलीफ़ों से गुजरा। हर किसी स्ट्रगल से मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंगिंग तो नो डाउट कुछ सीखता है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर सीख लेता है। हाँ जी, जैसे उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, कि जैसे आपका एक मन है कि मैं गाना गाऊँ, उसे एक रिकॉर्डिंग में करना है, उसकी शूटिंग के लिए करना है, उसको प्रोजेक्ट करके उसको पॉपुलर करना है, जिसके लिए पब्लिसिटी वगैरह और सब कुछ चाहिए, जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व होता है, वैसी सिचुएशन मतलब आपको कैसे फेस करनी है? जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप अकेले होते हैं, जब उस चलने में आप एक एनर्जी लेके आते हैं तो आपके साथ लोग खुद जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस आपकी उस काम में थोड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ और इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बचपन में नालायक किस्म का इंसान था, पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, पढ़ने में ध्यान नहीं था। तो लेकिन फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे काफ़ी बोला कि तू कुछ कर कुछ कर, देन मुझे गाता था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने बोला कि तुझे गाना चाहिए। फिर मुझे लिखने का थोड़ा सा शौक हुआ, तो देन मैंने म्यूज़िक बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करता गया। उसके बाद मेरी जो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, विक्रम भैया, ये मेरे कज़न ब्रदर भी हैं और जम्मू में ये बीजेपी के लीडर भी हैं, इन्होंने मुझे बोला कि
तू जम्मू में आके इंटरेक्ट कर, यहाँ पे हम अच्छे से लॉन्चिंग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर। चलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इस फील्ड में और आगे बढ़ें, एक्सेल करें और आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिले। अर्ली टाइम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद राहुल। तो आई वुड लाइक टू आस्क द यूथ ऑफ जम्मू कि जिसको भी इस लाइन में इंटरेस्ट है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट राहुल, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अपलिफ्ट योर टैलेंट। सो दैट्स